ये स्वेटर्स, ये जैकेट्स, लगता है जब चैतन्य लंदन में पढ़ रहे थे तब के हैं। तुम मेरी अतिथि नहीं हो। मुझे अच्छी तरह याद है, शादी के 2 दिन बाद अतिथि और मैं। भाई किसी ने सही कहा है, शादी के बाद आदमी बहरा बिंगा अंधा सब हो जाता है। विल यू टेल मी, अपने पति को आप किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हैं? वो तो आप देखते जाइए। हाउ कैन आई से, तुमने आंखों पे जो पट्टी सी बांध रखी है। प्यार करने वाले तो अपने दिल की आंखों से देख लेते हैं। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। बाय द वे, एक्चुअली मेरी आंखें बंद करके क्या करने का इरादा है? इरादा तो नेक नहीं है जनाब। छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? मैं तुम्हारे प्यार में ऑलरेडी मर चुका हूं। मैं भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इसीलिए तुम्हें ऐसी जगह ले आई हूँ जहाँ प्यार करने वाले बेखौफ अपने प्यार का इजहार करते हैं। तुम कहाँ गई? आदित्य, मुझसे दूर मत जाओ। कम क्लोज नाउ। देखो मैं पट्टी खोलने वाला हूँ। I love you, चैतन्या. I love you too, Aditi. उसकी लाश को मैंने खुद अपने हाथों से चलाया था, तो फिर यह अदिति कैसा हो सकती है? लेकिन आज अदिति खुद मेरे सामने से ना खड़ी थी, इस बात को कैसे जुटलाऊंगा मैं? कैसे साबित करूंगा मैं कि यह अदिति नहीं है? अदिति मर चुकी है।
वो लड़की धोखा है, फ्रॉड है। नहीं, ये वो अदिति। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ अनु ही है, सिर्फ अनु। हे भगवान, तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चैतन्य अभी तक घर क्यों नहीं आए? सब ठीक तो है ना? आप आ गए, बहुत देर लगा थी। आनो, रास्ते में टायर पंक्चर हो गया था कार का। अच्छा, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती हूँ। इस वक्त अगर चुटकी भर सिंदूर और एक मंगलसूत्र होता तो मैं अभी अपनी दुल्हन बना लेता। क्या हुआ चेतन? चेतन, आप खिड़की पे? मैं अनु कौर। अनु मुझे अपनी जिंदगी मानती है। आज जैसे वो लड़की अचानक मेरे सामने आ गई, ऐसे ही कहीं अनु के सामने आ गई और कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो मेरी भोली सी अनु तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। कहीं अनु मुझसे रूठ कर मुझसे दूर चली गई तो? नहीं, मैं अनु को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। हमेशा प्यार करती रहोगी ना? मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? अरे, मैं अपनी जिंदगी को छोड़कर कहाँ जाऊंगी चेतन? मुझे तो आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, पर आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक दिल में एक अजीब सा डर, एक घबराहट सी हो रही थी कि कहीं
कहीं हमारे प्यार को नजर ना लग जाए। मेरे प्यार पर कभी शक तो नहीं करोगी? मुझ पे कभी शक? I love you so much, Anu. I love you so much. बहुत चाहती हूँ मैं तुम्हें चैतन्य। अरे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा है मैंने तुम्हें। मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में हर पल सिर्फ एक ही नाम है, तुम्हारा चैतन्य, तुम्हारा। तुमसे दूर रहकर जी नहीं सकती मैं। क्यों चैतन्य, क्यों मुझसे इतना दूर जाते हो तुम? तुम मेरी अतिथि नहीं हो, तुम मेरी अतिथि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों तुम अपने अतिथि के वजूद से इनकार कर रहे हो चैतन्य, क्यों? चैतन्य तुम चाहे जितना दूर जाने की कोशिश करो मुझसे, लेकिन मेरी चाहत, मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास ले ही आएगा। मुझे पूरा विश्वास है चैतन्य, मेरा प्यार तुम्हें मेरे करीब ले ही आएगा। हम दोनों बने ही हैं एक दूसरे के लिए। तो जिसमें एक जान हुआ करते थे हम, और अब फिर से एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे हम। पूजा भी हमने कर ली, भोग भी हमने लगा लिया, अब प्रसाद तो लेती जाइए भाभी से। आपको याद है भाभी साहब ने आपसे क्या कहा था? कि पद्मिनी का हक छीनने वाले से पद्मिनी उसकी सारी खुशियां छीन लेती है। भाभी साहब आरती लीजिए ना। मां साहब आप भी आरती लीजिए ना। जीती रहो बेटी। पद्मिनी तुम्हें याद है ना, आज पूर्णमासी है और हमेशा की तरह आज भी पूर्णमासी की पूजा होगी घर में। मासा आज का शुभ दिन हम कैसे भूल सकते हैं? लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से पंडित जी ने यहाँ आके पूजा करने से इनकार कर दिया है। ऐसा करेंगे, प्रसाद बनाकर मंदिर ले चलेंगे। हाँ मासा, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन मासा हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जब से हम इस घर में बहू बनकर आए ना, मासा इस बार पहली बार हुआ है कि शिखावत खानदान की हवेली में पंडितों ने आकर पहली बार पूजा करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों में सब कुछ कितना बदल गया ना मासा।
खैर छोड़िए, जो होता है अच्छा ही होता है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस बार सारी तैयारियां हमने की है, इस बार कोई कमी नहीं छूटेगी माँ साहब। हाँ पद्मिनी, जो हुआ सो हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज प्रसाद तुम बनाओ। मासा अपनी बड़ी बहू और लाडली बहू से इतनी नाराज है कि मुंह फेर के चली गई। वेरी सैड, बेचारी बड़ी बहू। अरे हाँ, आज तो हम प्रसाद बनाने जा रहे हैं ना, आपको याद है भाभी साहब, पिछली बार आपने जो प्रसाद बनाया था उसके बाद, खैर अब हमें देर हो रही है, हम प्रसाद बनाने जा रहे हैं, ठीक है भाभी साहब? मुझसे गलतियां हुई तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हाय भाईसा, क्या खुशबू आ रही है। हाँ लच्छी, इसमें हमारी जीत की खुशी की खुशबू जो है। पद्मिनी, कुछ काम हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। पद्मिनी क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो प्रसाद का हलवा गिर गया, बहुत खुशी और मेहनत से बनाया था हमने। लेकिन ये गिरा कैसे? वो मासा गलती से कढ़ाई फिसल गई हमारे हाथ से। तुम झूठ बोल रही हो, कुछ बात छुपा रही हो मुझसे। सच सच कहो, ये कैसे हुआ? नहीं मासा, हम सच कह रहे हैं, यही बात है। भाई साहब, आप सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? लच्छी तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगी। पद्मिनी। हाँ लच्छी बोलो, कैसे हुआ ये? मासा, आपने बाईसा को पूजा का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन लगता है भाभी साहब को ये बात पसंद नहीं आई और वो गुस्से में रसोई में आई और हलवे की कढ़ाई उठा के पटक दी। अनुपमा,
तुम ऐसा कर सकती हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पद्मिनी पे इतना गुस्सा, उससे इतनी जलन। जब तुम इस घर में आई थी तो पद्मिनी के काफी हक मैंने तुम्हें दे दिए थे, उसने तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर तुमने क्यों? मासा प्लीज, आज पूजा का शुभ दिन है, कम से कम आज गुस्सा नाराजगी मत दिखाइए, अपशगुन माना जाता है। ठीक है पत्नी, अब तुम यहां क्यों खड़ी हो? जब सारा काम पद्मिनी ही कर रही है तो तुम जाओ ना, आराम करो अपने कमरे में। अनुपमा मैंने कहा जाओ। इतने नाजुक हाथों में इतना गहरा जख्म, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? लाओ मैं तुम्हारे जख्म में ये दवा लगा देता हूँ, साथ लेकर आया हूँ, देखो ना हाथ तो मेरे। हाथ छोड़ो मेरा। हेलो चैतन्य, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं अदिति हूँ चैतन्य। हेलो